एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में आप लोग को दिखाने वाली हूँ अपना रिसेंट का H&M हॉल। और गाइज, मतलब H&M से आज तक मैं शॉपिंग नहीं की, मैं सच बता रही हूँ, और फर्स्ट टाइम का शॉपिंग एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की, ऑफलाइन शॉपिंग तो काफ़ी सारी की है, ये मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है? ये हुई ना बात। तो ऑफलाइन शॉपिंग के लिए मैं सब कुछ कहती हूँ, क्या क्या मुझे रिसीव हुआ है। सबसे पहले मैं आती हुई सारे प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ कि हाथ पे लेके नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आइटम मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ह्यूज हॉल मैं शो नहीं कर रही हूँ, इट्स अ मिनी हॉल। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि लाइक ऑफलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन है तो जाके क्यों नहीं करोगे, ऑब्वियसली तुम ऑनलाइन क्यों करोगे। ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में तो कोई शॉप वगैरह नहीं होते, तो हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ता है। इसमें तो नॉर्मल स्टोर्स भी है, लाइक मेरे भी घर के पास स्टोर है, बताती हूँ हुडा पे। तो गाइज एक बात बताओ ना कि जो मेरा हुडा वाला H&M है ना, मेरा नहीं मतलब हुडा वाला जो H&M है ना, वहाँ पे काफ़ी इतने वर्थ कलेक्शंस नहीं रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि सबके लाइक लोकेशन या लोकेलिटी पे अलग अलग H&M स्टोर है, और वहाँ पे कलेक्शंस भी आई थिंक अलग अलग है। कि मैं CP गई थी ना, तो वहाँ के H&M कलेक्शन काफ़ी सारे औसम थे, बहुत ही औसम था गाइस। और जो मैं इतने सारे प्रोडक्ट आपको दिखाने वाली हूँ, मुझे इस बार मैं गई थी तो मुझे ये नहीं मिला था। मेरा H&M वाला, अगर आप लोगों ने लाइक ब्लॉग देखा होगा, मैंने H&M समर कलेक्शन स्टॉल किए हैं, तो उस वीडियो में आपको ये सब कलेक्शंस नहीं देखने को मिलेगा। बट ये सब बहुत ओल्ड कलेक्शंस, मतलब बहुत ओल्ड लाइक प्रोडक्ट्स है H&M के, जो वहाँ पे रहना चाहिए था बट वहाँ मुझे नहीं मिला, मिलना चाहिए था गाइस। आई थिंक हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया हो, बहुत सारा रीज़न हो सकता है, अब मैं उनको जज नहीं कर सकती, सो सॉरी फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर तो जरूर आप लोग करना है, लास्ट में अगर नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा। ओके, तो चलो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं सबको ना ओपन कर ली, क्योंकि जब आता है तो मैं तुरंत ओपन करती हूँ, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग करो तो तुरंत ओपन करके देखो कि सामान मिला सही है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे होता है कि साइजेस अलग मिल जाते हैं। तो कस्टमर सर्विस में ये भी उनका कहना रहता है कि आप 72 आवर्स के अंदर क्यों कॉन्टैक्ट नहीं किए हमें, अगर आपको साइज़ अलग मिला, कलर डिफरेंट मिला, भी प्रॉब्लम क्यों ना हो वो रिजॉल्व नहीं करते, लाइक लास्ट में रिटर्न नहीं करते हैं। तो मेरे साथ हो चुका है, तो मैं आप लोग को ओपिनियन दे रही हूँ, इसलिए जल्दी से मैं ओपन कर लेती हूँ। आइटम मिलते हैं, ये देख सकते हो H&M का पैकेट है, और इसका पैकेजिंग कुछ इतना प्रीमियम होता है ना। एंड यस, ये वाला जो टॉपर मुझे एक नज़र में इतना प्यारा लगा था ना गाइज, इसका मैंने काफ़ी सारा रिव्यू भी देखा, मतलब बहुत क्यूट लग रहा था। बट थोड़ा सा साइज इशू आ रहा है, बट कोई नहीं, ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, लाइक मैं दिखाती हूँ, वेट, ये कुछ ऐसा है, स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल लगाई। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अगर आपको साइज़ भी परफेक्ट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका साइज़ भी ख़त्म हो गया गाइस। जब मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ ना, तो जब मैं पहन के देखी तो थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो टाइट में कोई इशू तो नहीं है, बट फिर भी मेरा मैनिया होता है कि कभी कभी अब यार अब तो ये मुझे टाइट हो रहा है, मुझे वापस करना है, मुझे अपना खुद का स्मॉल साइज चाहिए, क्योंकि मेरा ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। मैं सोची H&M का साइज़ थोड़ा सा अलग होगा नॉर्मल ब्रांड से, क्योंकि मेरा एक्सेस है, तो परफेक्ट फिटिंग है, बट ये वाला थोड़ा सा फिटिंग हो रहा था, बट अब सही, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल गाइस, एक बार धोने से ना परफेक्ट हो जाएगा मेरे साइज़ का, तो इसके लिए मैं वरीड नहीं हुई ज़्यादा। आउट ऑफ स्टॉक हो गया था साइज़, तो थोड़ा सा मुझे टॉलरेट करना पड़ा। एंड यार, देख सकते हो आप लोग, ये बहुत क्यूट टॉप है, वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस है 1299 रुपीज़ गाइस, आप लोग देखो यहाँ पे 1299 रुपीज़ हो गए। और ये 52% रिसाइकल्ड पॉलिस्टर है, देख सकते हो आपको, मुझे लगा नहीं था कि ये पॉलिस्टर है यार, लेकिन ये पॉलिस्टर है, सीरियसली। वैसे मैं सोच देखती हूँ ना कि H&M के सारे लगभग चीज़ पॉलिस्टर होते हैं, ये सब लुक मैटर करता है, H&M ज़ारा ये सब लुक मैटर करता है, लेकिन कपड़े का पता नहीं यार कि कपड़े पॉलिस्टर गर्मी लगता है। मैं सुनती हूँ मतलब बड़े लोगों से कि पॉलिस्टर बहुत गर्मी लगता है, बट मेरे अंदर वो सहन शक्ति है कि मैं पॉलिस्टर को भी सहन कर लूँ। एंड दिस लुक, और अब मैं वेयरिंग पीछे शो करने वाली हूँ, देख सकते हो आप लोग साइड में, बहुत लग रहा था, आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच। प्राइस नहीं बता दी हूँ, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन मैंने किया था ब्लू जीन्स ऑर्डर, इसको बहुत मतलब अलग टाइप का यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। तो ये है ब्लू जीन्स, आई थिंक मुझे इसके कलर पर डाउट रहा था कि धोने पे इसका कलर ना जाए, बट मैंने कॉन्टैक्ट किया कस्टमर सर्विस, इसका कलर नहीं जाएगा, कलर जाएगा तो बोला है कि
कोई सॉल्यूशन, पता नहीं मैं कब पहनूं, आई डोंट नो। बट 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 ये वाला जीन्स देख सकते हो आप लोग, वेस्ट है 26 हाँ 26 है वेस्ट। और ओके, इसका प्राइस है 1299, सेम एज इस बार मैं काफ़ी सारी हैवी शॉपिंग कर ली हूँ। एंड ये बहुत अच्छा बैगी जीन्स है, वाइट लेग है, एंड आई जस्ट लव, मैंने इसको वेयरिंग पिक्चर्स यहाँ पे शेयर किया, आप लोग देखना, बहुत कूल लग रहा था, जस्ट लव गाइस, मुझे बहुत पसंद आया सच, मतलब यहाँ ऐसा प्रोडक्ट ना मुझे वहाँ नहीं मिलता स्टोर पर जाने के बाद, तो थोड़ा सा होता है कि हाँ नहीं मिला, बट यहाँ मिल गया, वो भी मेरा साइज़ मिला गाइस 26। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ ना खुद को और आप लोग को भी करूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग करो। और हाँ गाइस, एक और चीज़, मैं एक कूपन कोड भी अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप लोगों को कूपन कोड यूज़ करना, आपको 25% ऑफ मिलेगा। ओके, सो काफ़ी लोग का क्वेश्चंस भी रहेगा कि हाँ कूपन कोड्स बताओ या कुछ भी, तो मैंने वो भी मैंशन कर रखा है, आप देख लेना प्लीज़। नेक्स्ट दिखाती हूँ, ये भी लाइक जीन्स है, वाइड लेग बैगी जीन्स है, देख सकते हो ये बैगी जीन्स है, दिस इज़ कलर ग्रीन, ग्रीन कलर का है, सेम 26 वेस्ट है, बट जो H&M का साइज़ है वो 34 है UK 6, और इसकी प्राइस ही वही सेम है ना, 1299। ओके, 1299 है, एंड ये देखें कुछ ऐसा है, इसकी वेयरिंग पिक्चर्स में मैं साइड में कर दिखा दे रही हूँ कि मेरे पे बहुत ऑसम लग रहा है, एंड सुन इसको स्टाइल भी करूँगी, बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मतलब इसको ट्रैंक करने, मतलब स्टाइल करने के लिए टॉप पे। ओके, तो ये ना मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल के इसको निपटा रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, आई नो कि वीडियो लंबा हो गया होगा, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ इसके लिए। नेक्स्ट वन इज़ दिस H&M टॉप है, ये भी हाँ H&M टॉप, इसकी पैकेजिंग शायद मैंने फाड़ के फेंक दिया था गुस्सा में, क्योंकि फट गया था इसलिए। और ये है रिब्ड टॉप, ब्लैक रिब्ड टॉप है, एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस, वेस्ट टॉप है, वेस्ट, यस ये वेस्ट है, पीछे से थोड़ा सा बैकलेस टाइप, मतलब बैकलेस मतलब क्या कहूँ कि थोड़ा सा बैक अजीब लग रहा था, बट इट्स ओके, इसका प्राइस है 399 रुपीज़, एंड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसका जो है 25% रिसाइकल्ड कॉटन है, और ये देख सकते हो वेट 399, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। इसकी वेयरिंग पिक्चर मैं साइड में दिखा दे रही हूँ, आप लोग देख लेना, तो आप लोगों ने वेयरिंग पिक्चर भी देख ले होंगे, और बस ये मेरा स्मॉल हॉल था H&M का, तो होप यू ऑल लाइक माय वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।